हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वह है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक शॉपकीपर जो है उसने एक वीसीआर और एक टीवी खरीदा है, ठीक है। अब जो इसने खरीदा है इन्हें, तो ये हर एक उसे कितने रुपए में पड़े हैं? 8,000 रुपीस में। यानी वीसीआर की कीमत भी जो उसके लिए वो 8,000 है, और टीवी जो है वो भी उसने 8,000 रुपीस का खरीदा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बेच दिया उसको। जब इसने इसे बेच दिया तो उसे क्या हुआ? लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। तो जो वीसीआर है उस पर उसे 4% का लॉस हुआ, जबकि जो टीवी है उस पर उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, ठीक है। तो बताइए कि होल ट्रांजैक्शन में उसे गेन हुआ या उसे लॉस हुआ उसका परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखिए, दो चीजें उसने क्या खरीदी, एक तो सॉल्यूशन में, एक तो वीसीआर और एक टीवी, ठीक है। अब जब उसने वीसीआर खरीदा तो उसे सीपी इसकी कितनी पड़ी? कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीस, ठीक है। अब जब ये इन्हें बेचता है तो वीसीआर पर उसे 4% का क्या होता है? लॉस होता है। तो यहां लॉस ऑन वीसीआर कितना है? 4%। तो लॉस परसेंट जो है वो 4% हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अब अगर हम टीवी की बात करें तो जो टीवी है, टीवी भी उसकी भी सीपी कितनी है? 8,000 ही है, ठीक है। 8,000 में ही खरीदी, लेकिन इसके ऊपर जो उसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 8%, ठीक है। अब हम इन दोनों केसेस में वीसीआर और टीवी की क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है, ठीक है। देखिए, यहाँ जो वीसीआर की सीपी है वो 8,000, ठीक है। लॉस परसेंट कितना है? 4% है। तो अब हम निकालेंगे एसपी ऑफ वीसीआर, ठीक है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ लॉस परसेंट? यह है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो अब देखिए, सीपी 8,000 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 4 अपॉन और 100, ठीक है। ओके, फिर क्या है? 8,000 इंटू 100 माइनस 4, 96 अपॉन 100। तो दो जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, दो जीरो। तो बच्चा क्या हमारे पास? 80 मल्टीप्लाइड बाय 96, ठीक है। और इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है रुपीज 7,680। तो ये आ गया हमारा क्या? एस पी ऑफ वी सी आर, दैट्स वी सी आर, ठीक है, वी सी आर। इसी तरह से हम निकालेंगे अब टीवी के लिए, ठीक है। तो एस पी ऑफ टीवी, तो ये सीपी इंटू 100, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? प्रॉफिट परसेंट है, तो प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला लग जाएगा। दैट इज व्हाट सीपी, ये भी 8,000 ही, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दैट इज व्हाट 8%। 100 8,000 इंटू 100 प्लस 8, दैट इज व्हाट 108 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा है 80 इंटू 108। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 8,640, ठीक है। तो रुपीज 8,640 ये सेलिंग प्राइस है टीवी का, ठीक है।
तो अब देखिए, अब हमारे पास वीसीआर और टीवी की दोनों की इंडिविजुअल सीपीस भी है, कॉस्ट प्राइजेस और दोनों की सेलिंग प्राइजेस भी है। तो अब हम बात करेंगे दोनों की ओवरऑल ट्रांजैक्शन की, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं होल ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो देखिए, टोटल सीपी क्या, सीपी ऑफ वीसीआर प्लस सीपी ऑफ टीवी, ठीक है। सीपी ऑफ वीसीआर कितने का था, वो उसने खरीदा 8000 का प्लस, और टीवी भी उसे कितने 8000 की, दोनों क्या है इतने में ही पड़े, यानी 16000 रुपीस, ठीक है। ये हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए, सीपी ऑफ वीसीआर 8000, सीपी ऑफ टीवी 8000, दोनों 8000 में उसने खरीदी थी, तो टोटल सीपी कितनी हो गई 16000, ठीक है। ऐसे टोटल एसपी निकालते हैं हम, टोटल एसपी वो कैसे क्या है, एसपी ऑफ वीसीआर प्लस एसपी ऑफ टीवी, ठीक है। ओके, वीसीआर जो उसने बेचा है वो है रुपीस 7680 और प्लस टीवी रुपीस 8640। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 16320, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर के उसने 16320 रुपीस में, यानी 16320 रुपीस में बेच दिया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या ग्रेटर मिलता है, एसपी जो है 16320 और ये सिर्फ 16000, एसपी जो है वो ग्रेटर है सीपी से। तो यहां लिखेंगे हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो अगर एसपी बड़ा है सीपी से, यानी केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, यानी प्रॉफिट हुआ उसे। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी इज व्हाट इज द एसपी, 16320 माइनस रुपीस, और सीपी कितना है 16000, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस करने पर आता है 320 रुपीस, तो जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ से 320 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। पर हमें निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंट, तो हम यहां प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ है 320 अपॉन सीपी, ठीक है। टोटल सीपी है 16000 रुपीज और इनटू 100%, ठीक है। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 2 जा, तो मतलब फाइनली हमारे पास जो आया है वो है 2%, ठीक है। तो ये जो होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट परसेंट उसको मिला है वो है 2% का, और यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।